के द्वारा दिए गए आवेदन का जो है कार्यान्वयन हो चुका है। मैंने विशेषज्ञों के द्वारा कॉपी का जो है तो मतलब ये जो कॉपी में भी कुछ त्रुटि हुई होगी उसका उन्होंने निराकरण कर दिया है और उनका कमेंट भी आ चुका है और वो मैं सारे की फिर डाटा सेंटर को सुधार करने के लिए दे दिया। वो अपना अपलोड करेंगे, जो प्रक्रिया है उसके तहत उनका रिजल्ट बनेगा और छात्रों का जिनका रिजल्ट सुधार हो जाएगा वो देख लेंगे कि मेरा रिजल्ट सुधार गया। ऐसे कितने बच्चे हैं? लगभग 150 हमको एप्लीकेशन आया हुआ था, 150 कॉपी निकाल करके हमने उसका निराकरण कर लिया। जनवरी को वादा किया गया था कि एक सप्ताह में आप लोग का रिजल्ट सुधार करके दिया जाएगा, आपके कॉपी का जीरोक्स दिया जाएगा। 31 जनवरी से लेकर के आज मार्च जाने को है लेकिन अभी तक न हम लोग का कॉपी मिला है न ही रिजल्ट सुधार किया गया है। ये कंट्रोलर महोदय के एक सप्ताह चार दिन दो दिन नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं डाटा सेंटर कॉपी नहीं दे रहा है। जब डाटा सेंटर से बात करते बोला कंट्रोलर कॉपी नहीं दे रहा है, ये दोनों में क्या तालमेल है? डाटा सेंटर भी कंट्रोलर के अंदर में है, कंट्रोलर यूनिवर्सिटी के अंदर में है, तो ये उन लोग का प्रॉब्लम है। उनसे बात करें क्या करें, हम लोग कुछ नहीं जाते, हम लोग का ये कोई या तो कॉपी दे दे या रिजल्ट दे दे। कहाँ से आए? बेगूसराय जिला से। अच्छा बताइए, जो रिजल्ट 31 दिसंबर को प्रकाशित किया गया था उसमें हम लोग के कहने के मुताबिक बहुत सारा धांधली हुआ है। आर्ट और कॉमर्स वाले को तो अच्छे से निकाल दिया गया, साइंस वाले के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ, जिसने फिजिक्स वाले के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुआ है। पीजी में जो नामांकन हो रहा है क्या उससे भी आप लोग वंचित होंगे क्या? वंचित होंगे नहीं, वंचित हो चुके हैं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कर ही नहीं चुके हैं तो हम लोग वंचित हो चुके हैं। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो फिर हम लोग का नामांकन जो भी स्टूडेंट पास होता है उसका नामांकन ले सकती है, अगर ना चाहे तो ना ले सकती है, लेकिन अभी तक तो हम लोग वंचित से हो चुके हैं। दूसरा यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो चुका था लेकिन उससे तो हम वंचित रह चुके हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।